का जो लाठी चार्ज का जो कार्यक्रम किए इन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, उसकी हम बहिष्कार करने की आवश्यकता है और अब समय आ गया है कि इनका आर्थिक। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ऑफ यू से। कवर्धा जिले में हुए दो समुदायों के मध्य भगवा ध्वज वाद विवाद मामले में गिरफ्तार किए गए हिंदू संगठन के 59 कार्यकर्ता आज जेल से हुए रिहा। हिंदू संगठन के साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता द्वारा जेल परिसर में भगवाधारियों का किया गया भव्य रूप से स्वागत। जेल से बाहर आकर जेल परिसर में ही नीचे बैठकर भगवाधारियों द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। यादव बजरंग दल प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ राज्य। लगातार हमारे भाइयों के ऊपर में जो लाठी चार्ज का जो कार्यक्रम किए इन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हमारे 59 भाई जो बचे हुए थे, 18 परसों रिलीज हो गए, आज 59 भाई जो हमारे वीर भाई जो है आज जो रिलीज हुए हैं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और परिवार के लिए खुशी का दिन। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो ये विवाद जो हुआ भगवा ध्वज के अपमान का, इस विवाद को हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज के ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ा इन लोगों ने अपमान किया। आज उसी के दिन है ये जो भाई आज 15-20 दिन से आज जेल के अंदर थे, इनका ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और लगातार उस जगह पर आधार कार्ड बनाने का काम, लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम स्थानीय विधायकों के द्वारा जो किया गया है, उसकी पूरी सूची करबद्ध हमने कलेक्टर SDM को भी सौंपा हुआ है। आगे आने वाले समय में रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में एक बड़ा आंदोलन हम करने आज हम लोग यहाँ पर अपने भाइयों का मैं लगाता हूँ भगवा दुपट्टे के बाद साथ हम स्वागत करेंगे। और साथ ही आज हम एक हिंदू समाज से अपील भी करेंगे कि मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है और अब समय आ गया है कि इनका आर्थिक बहिष्कार करना होगा, हर घर के बच्चों को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं आगे, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अब हमको समाज को जागना होगा और इनका आर्थिक बहिष्कार करना ही सबसे बड़ा हमारा काम होगा और हिंदू समाज का ये भीड़ा हम सबको एक साथ उठाना है, यही मैं आज सबको इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ। जय जय इसमें 59 लोगों में 13 लोग धमतरी के हैं, 5 लोग बेमेतरा के हैं, 1 मुंगेली का है और बाकी जो हैं, बाकी उसमें कोरबा के भी 4 बच्चे हैं, उसके बाद जो बसते हैं वो सारे कवर्धा पंडरिया आसपास के क्षेत्र हैं। आप इस मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखें मुख्यमंत्री जी, ये जो भी हो रहा है ठीक है, उन्माद फैला रहे का जो आरोप लग रहा है ये सरासर गलत है। आप ध्यान दीजिए, हिंदू समाज कभी उन्माद नहीं करता है, कोई गलत कार्य करने वाला अगर उसके अंदर घुस के गलत कार्य कर रहा है तो आपका इंटेलिजेंस फेलवर है, सीधे सी बात। समाज के ऊपर दोष डालना बंद करें, हिंदू समाज अब आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में देखा गया कि स्थानीय लोगों का बयान आया है कि ये चीज पहले से लग रहा था कि वहाँ पे कुछ इस तरह के मुस्लिम समुदाय और समुदाय के द्वारा कुछ प्रयोजित हो रहा है लोगों के खिलाफ, क्या कहना है इस पर? ये तो
लगभग सही है कि वहाँ पर जैसे बताया लैंड जिहाद, अब योजना पूर्वक जहाँ जहाँ पर मुसलमानों को कब्जा करके बसाया जा रहा है, उनके राशन कार्ड बनाया जा रहा है, आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उनको कब्जा दिया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से एजेंसी को योजना देगा। अभी ऐसा भी कुछ सुनने में आया है जो झंडा विवाद हुआ था इसके 2-3 महीने पहले गैस देवान का, और जिस लड़के ने झंडा दिया था उनके बीच में आपसी विवाद हुआ था, ऐसा सुनकर के समाचार चल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है उसकी जानकारी नहीं। जब से ये घटनाक्रम हुआ है लगातार हम लोग हिंदू जागरण का कार्य कर रहे हैं। परसों हमारे 18 भाई रिलीज हुए हैं, आज हमारे टोटल 59 लोग जो बचे हुए थे आज वो लोग को जमानत हो गया। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है और परिवार के लिए भी खुशी का दिन है, लेकिन ये जो लड़ाई है अब ये रुकने वाला नहीं है। जब तक हिंदू जागेगा नहीं तब तक हम जगाने का प्रयास करेंगे। और लगातार मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कवर्धा के अंदर में स्थानीय विधायक के द्वारा बाहर से ला कर बसाने वाले लोगों को अवैध रूप से जो बसाया गया उसकी सूची करबद्ध हमने SDM साहब को भी सौंपा है, इस पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई करे। एक बात और सुनने में आती है बार बार कि ये लोग उन्माद मचाए इस वजह से इनको जेल भेजा गया। मैं बोलना चाहूँगा कि ये उन्माद हिंदू समाज नहीं मचाया, जो उन्माद मचाया उसको आप चिन्हांकित करो, उसको जेल में डालो आप। हमारे हिंदू भाई लोगों ने हमेशा से सहनशीलता का परिचय दिया है, उन्होंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन पुलिस दमनपूर्वक तरीके से हमारे लोगों को जो दबाने का प्रयास कर रहा है इसको बंद करना होगा, क्योंकि समाज उग्र हो गया है। अब इसमें हम किसी भी कीमत में चुप बैठने में से नहीं। जय जय श्री राम। और इस दिवाली मैं सभी हिंदू भाई के घर परिवार से बोलना चाहूंगा कि इस बार किसी भी दुकान में मुसलमानों के यहाँ कोई खरीदी बाड़ी नहीं करेंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार करना ही बहुत जरूरी है। ये हिंदू समाज को हर बच्चा हर माँ अगर अपने बच्चे का हित चाहते हैं तो इनका आर्थिक बहिष्कार करना ही होगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी जोश उत्साह का माहौल देखा गया। जेल से बाहर आने के बाद उनमें बहुत ही खुशी की भावना देखी गई और कहा गया, हमारी सबकी माता भारत माता, भारत माता, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, संगठन में साथी है, संगठन में साथी है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। 59 सभी भगवाधारियों को जेल से बाहर आने के बाद भोजन कराया गया। दोस्तों भोजन के पश्चात उन्हें उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया।